हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज के इस वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन को देखेंगे वो एक गेम की एप्लीकेशन है जिसका नाम यूडोज़ द मेंडर्स ऑफ फैंटेसी। इसके पीछे ये लिखा रहता है, इसका नाम है यूडोज़। ठीक है, 4.2 स्टार मिले हैं इसे और साइज़ इसका 30 MB है और स्पेलिंग है इसकी YOUDOZE, यूडोज़। ठीक है, तो ये गेम आपको टॉकबैक सस्पेंड करके खेलना होगा और इसमें हमें रास्ता ढूंढना है, स्क्रीन पर आवाज़ सुनते हुए जाना है। ठीक है, रास्ता खोजने के लिए और उंगली को स्क्रीन से उठाना नहीं है, उसे रखे रहना है। ठीक है, आप आवाज़ तब तक आती रहेगी सिर्फ जब तक आप उंगली स्क्रीन पर रखे रहेंगे। ठीक है, तो जो भी बाकी नियम रहेंगे वो गेम के दौरान मैं बता दूंगा कैसे इस गेम को खेलना है। ईयरफोन आपको कंपलसरी है लगाना, ठीक है, कंपलसरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे सुनने के लिए। ठीक है, तो अब इस गेम को हम ओपन करते हैं। ठीक है, गेम व्यू, और अब मैं टॉकबैक सस्पेंड करूँगा यहाँ पे। अब इस पे उंगली रख ली मैंने स्क्रीन पर। ठीक है, feel like you need to find something. चलो अब मैं बताता हूँ। तो बोल रहा है कि मैं आपका स्लीपी माइंड बोल रहा हूँ और हमें कुछ चीज़ की तलाश करनी है ना, हमें कुछ तलाश करना है। तो क्या हो रहा है, तो अब हम स्क्रीन पर उंगली धीरे धीरे ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक, एक बीप करके एक टिन करके आवाज आएगी, उस पर ही हमें जाना है। ठीक है, Slower, don't rush. Listen carefully. That's all you have now. Try to avoid bad feelings. तो अभी आपको विंड चेन की आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो इसमें गेम को कैसे खेलना है। मैं इसमें एक ये जो घंटियों की आवाज़ आती रहती है ये, Wait, don't do that. Be slow and careful. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो हमें उस घंटियों की आवाज़ पर ही उंगली रखते रखते ऐसे ले जाना है उसे, कि ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे दूसरा रास्ता ओपन होगा और दीवारों से नहीं टकराना है। दीवार से टकराएंगे तो आप आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये पता कैसे चलेगा दीवारें आ रही हैं या नहीं, तो उसके लिए ये रहेगा कि ये जो घंटियों की आवाज़ रहती है बंद होने लगती है तो आप समझ जाना कि दीवार के पास जा रहे हैं। और अब जैसे खेलूंगा मैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
seems we came back to the start. ठीक है, तो हमें एक फिर से लेवल पे जाना है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है हम स्टार्ट पे आ गए। तो फिर से एक बार उंगली स्क्रीन से ऊपर उठाकर फिर से स्क्रीन पर रखिए और देखिए जहाँ पर तेज़ आवाज़ आना शुरू हो वहीं पे हमें उंगली ले जानी है। या भाई टिंग करके एक बीप की आवाज़ आई, उस पर उंगली रखे रहना है हमें। और अब ये विंड चेंज जो घंटियाँ रहती हैं उस जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऐसे ही फॉलो करते हुए धीरे धीरे उंगली को ऊपर खिसकाना है, यहाँ वहाँ ले जाना है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना है। धीरे धीरे उंगली मैं ऊपर खिसकाते हुए ले जा रहा हूँ, बिल्कुल घंटियों की आवाज़ के आना बंद नहीं होनी चाहिए। ये घंटी का धीरे धीरे तेज हो जाएगी जब हमें दूसरा रास्ता मिलने वाला होगा। ये एक लेवल क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा लेवल ढूंढनी हमें बीप की आवाज, ये आई, उंगली रखे रहनी है, फिर से लेवल स्टार्ट। टकरा गया मैं, ठीक है, You're here for a long time. फिर से ढूंढनी है हमें बीप की आवाज। जब उसके पास उंगली पहुंचने लगती है बीप जहां बचती है तो वहाँ थोड़ी ये एक आवाज़ आ रही होगी जैसे हवा चलती है, वैसे ही एक आवाज़ है तेज़ होने लगती है वो। ये उंगली उठाने नहीं रखे रहना है हमें, अब धीरे धीरे उंगली खिसकाएंगे हम जहाँ पे फिर से ये आवाज़ तेज़ होगी और एक लेवल क्लियर होगा। ठीक है, ये आवाज़ बंद होगी इसका मतलब हम गलत जगह जा रहे हैं। फिर से वापस उंगली पीछे करूँगा, बहुत धीरे धीरे खिसकानी उंगली, बिल्कुल ले जाते जाना है धीरे धीरे ऊपर, मतलब जिस भी साइड आप जा रहे हो। तो ये आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, जो ये घंटियों की आवाज़ आ रही है ये बंद नहीं होनी चाहिए। ये लेवल भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे हम किसी चीज़ में एंटर करते हैं, जैसे किसी टनल में एंटर करते हैं वैसी आवाज़ आती है। ठीक है, एक लेवल और क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस पर उंगली रखे रहिए, तीन आवाज़ आती है उस पर उंगली रखे रहना है, फिर ये आवाज़ आने लगती है जो घंटियों की रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ईयरफोन लगा खेलना है और ये घंटियों की आवाज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें उंगली ऐसी जगह ले जानी खिसकाते हुए कि ये आवाज़ बंद ना हो और रास्ता ढूंढना है। ये टकरा गया दीवार से,
देखिए बिल्कुल संभाल के ले जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे एकदम। यहाँ पर भी टकरा गया, फिर से इस लेवल को और क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो इतना मैंने खेल के दिखा दिया तीन लेवल क्लियर करके, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और हार्ड होता जाएगा, है ना। तो ये गेम थोड़ा सा लंबा है, और एक सजेशन दूँ मैं अगर, तो ये अगर रात में अगर आप खेलोगे तो बहुत ही इसकी एक अलग ही बात रहती है इस गेम की। तो ये वीडियो यहीं तक था, कोई भी और अगर सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इस गेम के बारे में, फिंगर रखनी है और घंटियों की आवाज़, आपको ना स्क्रीन पर फिंगर यहाँ से वहाँ ले जानी है लेकिन घंटियों की आवाज़ आती रहनी चाहिए, है ना। अगल बगल दीवार रहेंगी और उससे आपकी उंगलियाँ टकरानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो घंटियों की आवाज़ जहाँ बंद होगी तो आप समझिएगा कि आप गलत जगह जा रहे हो, और वो घंटियों की आवाज़ आती रहनी चाहिए, और जैसे आप सही जगह पहुँच जाओगे तो वो अपने आप बहुत तेज़ साउंड हो जाएगा और लेवल उसके बात का लेवल आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा वो, है ना। और ये वीडियो होता है ख़त्म। एप्लीकेशन पसंद आए तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और लोगों से कह रहा हूँ जिन्हें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।